नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक पर दुनिया की नजरें टिकी है, भारत की भी इस बार खास नजर है। हर बार झूठ का दामन थामने वाला पाकिस्तान एफएटीएफ की कार्रवाई से बचता रहा है। हालांकि पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वह चीन, तुर्की और मलेशिया से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। आइए जानते हैं एफएटीएफ से बचने के लिए पाकिस्तान ने क्या तर्क दिए हैं, भारत की क्या बड़ी चिंताएं हैं, इससे बचने के लिए पाकिस्तान को किसका आसरा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए लगातार कोई ना कोई नया झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अब पहले की तरह आतंकियों के लिए सुरक्षित जगह नहीं बचा है। उनका यह बयान कहीं ना कहीं एफएटीएफ के बचाव से प्रेरित था। पाक प्रधानमंत्री ने कहा, मैं आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान अब आतंकियों के लिए स्वर्ग नहीं है। इमरान ने स्वीकार किया कि 9/11 के बाद आतंकी गतिविधि यहां अफगानी रिफ्यूजी कैंप से चलती थी। इसे रोकना आसान नहीं था क्योंकि यहां इन रिफ्यूजी की आबादी 1 लाख से ज्यादा है। पाकिस्तान खुद को ब्लैकलिस्ट से बचाने के लिए लगातार इस तरह के झूठे दावे करने में जुटा है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर पाकिस्तान आर्मी की कैद से गायब हो गया है। पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान की आतंकरोधी अदालत ने 2008 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को आतंक से जुड़े 2 मामलों में 11 साल की सजा सुनाई थी। यह कदम एफएटीएफ की बैठक से ठीक 4 दिन पहले आया था। पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में एफएटीएफ को जानकारी दी है कि उसके यहां छिपे 16 आतंकियों में से 7 को मौत के घाट उतारा जा चुका है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अफगानिस्तान समेत दुनिया के तमाम मुल्कों ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की थी। भारत का तर्क था कि इसने हाफिज सईद को अपने फ्रीज खातों से धन निकालने की अनुमति दी है। पाकिस्तान आतंकी संगठनों को फंड मुहैया कराने वाले नेटवर्क का समर्थन करता है। यहां लश्कर ए तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान में सक्रिय है और वह इन संगठनों का पनाहगार बना हुआ है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की ग्रे लिस्टिंग का समर्थन किया था और कहा था कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए। हर बार की तरह पाकिस्तान को चीन, तुर्की और मलेशिया से मदद की आस है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत समेत तमाम मुल्कों ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डालने का अभियान चलाया था, लेकिन अंत में चीन, तुर्की और मलेशिया के विरोध के बाद उसे इस ब्लैकलिस्ट में जाने से बचा लिया, लेकिन तीनों देश मिलकर भी उसे ग्रे लिस्ट में जाने से नहीं रोक सके। इस बैठक में यह फैसला होना है कि या तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाए या फिर उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। गौरतलब है कि 36 देशों वाले एफएटीएफ चार्टर के मुताबिक किसी भी देश को ब्लैक लिस्ट नहीं करने के लिए कम से कम 3 देशों के समर्थन की जरूरत होती है। पाकिस्तान फिलहाल ग्रे लिस्ट में है, वह इससे बाहर आने की कोशिश में लगा है। एफएटीएफ ने जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। उस वक्त पाकिस्तान में ब्लैक लिस्ट से खुद को बचाने के लिए 27 सूत्रीय एक्शन प्लान सौंपा था, क्योंकि अगर संस्था को लगता है कि पाकिस्तान ने एक्शन प्लान को सही तरीके से लागू नहीं किया है तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।